किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल रामगढ़िया फार्मिंग पे। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो रेड वाटर पे लेके आए हैं, जिसे पशुओं में पेशाब में खून आने लग जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक देसी नुस्खा है जिससे आप अपने पशुओं के रेड वाटर से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं वो कौन सा उपचार है और कैसे करना है। ज़्यादा दूध देने वाली गायें होती है, जैसे HF गायें होगी, उनको ज़्यादातर ये बीमारी आती है रेड वाटर, जिसे पेशाब में खून आना भी कह देते हैं। और इस बीमारी में गायों में सबसे पहले दूध कम हो जाता है, बिल्कुल ही वो बिल्कुल दूध कम कर जाती है। और दूसरी बात ये है कि उनमें खून की कमी आने लगती है, जिससे उनको अनीमिया रोग हो जाता है। और तीसरी बात ये है कि उनको कब्ज हो जाती है, वो जोर तो लगाती है गायें पर उनको गोबर नहीं आता। और चौथी बात ये है, वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ जाती है, कम कर जाती है। और इस बीमारी को जल्दी से अपने ध्यान ना दें तो पशु की मौत भी हो जाती है, मर जाता है पशु कई बार। और अगर आप इस बीमारी का इलाज किसी वेटनरी डॉक्टर से करवा रहे हैं तो वो चलने दें। और साथ में हम आपको एक देसी नुस्खा बताते हैं, ये जरूर इस्तेमाल करें, इससे आपका पशु जल्दी रिकवर होगा। और ये देसी नुस्खा आपको पता है, हम वही बताते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे बुजुर्गों का बताया हुआ जैसे हमने इस्तेमाल किया, हम वही आपके साथ साझा करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं वो कौन सा देसी नुस्खा है। और आपने तीन चीज़ें ले लेनी है। पहली आधा किलो चावल कनी ले लेनी है, और दूसरा आधा किलो ये ले लेने हैं पतासे, और 50 ग्राम ले लेनी है हल्दी। तो इसका एक काढ़ा बन के तैयार हो जाएगा, वो काढ़ा हम आपको बताएंगे कैसे तैयार होता है। बहुत ही बढ़िया काढ़ा है, ये पशु को जल्दी रिकवर करता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं ये काढ़ा कैसे तैयार करते हैं, थोड़ा अलग तरह से तैयार होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये काढ़ा कैसे तैयार करते हैं। तो किसान भाइयों, आपने क्या करना है कि 4 लीटर पानी में चावल कनी को उबाल लेना है, और जब वो ठंडा हो जाए तब उसमें चावल कनी को ऐसे करके पूरा मसलना है, ताकि पानी पूरा वाइट हो जाए। ऐसे पूरा निचोड़ लेना है इसको, ये पानी का ही अपना काढ़ा बनेगा। तो आगे आपको दिखाते हैं हम। और पतासे और हल्दी हमने एक अलग बर्तन में रख लिए हैं, और चावल को इतने अच्छे से मसल लेना है कि उनका सारा पानी निकल जाए और सारा उनका पानी में असर आ जाए, पानी बिल्कुल वाइट हो जाए। और अब हम इस पानी को एक छन्नी से छान लेंगे, ये असर पूरा इसका पानी का ही होगा। ये बहुत ही हमारे बुजुर्गों का बताया हुआ बहुत ही बढ़िया फार्मूला है। और जो भी चावलों का पानी था हमने छन्नी से छान लिया है, और पतासे और हल्दी के बीच में मिक्स कर लिया है इसको, और अब असली काढ़ा बन के तैयार हुआ है। ये पूरा कारगर काढ़ा है, बहुत जल्दी असर करता है पशु की, बहुत जल्दी रिकवरी करता है पशु की, पशु जल्दी स्वस्थ हो जाता है। सबसे ज्यादा असर पशु को होगा जो उसको रेड वाटर की दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, पेशाब में खून आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठंडा होने पे आप अपने पशु को पिलाएं, अगर सही तरीके से वो पी रहा है तो ठीक है, अगर वो नहीं पी रहा है तो उसको नाल से पिलाएं। इससे क्या होगा कि ये काढ़ा जल्दी पशु में रिकवरिंग करेगा, पशु पशु को भूख जल्दी लगने लगेगी, वो दूध पर भी जल्दी अच्छे से आ जाएगा, उसको कब्ज की प्रॉब्लम सारी प्रॉब्लम्स वो दूर कर देगा ये काढ़ा, इतना कारगर ये काढ़ा है। हमारा एक वीडियो बार आपको हमारे अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।